मंत्री मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर से धारा 370 एवं 35A को हटाकर सहायक कार्य किया है, क्योंकि कश्मीर भारत देश का एक अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व किसी भी प्रधानमंत्री ने ऐसा जिगरा नहीं दिखाया। मनकोटिया ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री ने साहसिक कदम उठाते हुए कश्मीर से धारा 370 को हटाया है, वैसे ही चीन के दबाव को दरकिनार करते हुए महात्मा गांधी की 150वीं जन्म वर्षगांठ पर तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा को अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाना चाहिए। ये शब्द मनकोटिया ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहे। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में कहा कि आप 7-8 नवंबर को धर्मशाला में होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का उद्घाटन करने आ रहे हैं, इस दौरान दलाई लामा को भी आमंत्रित करना चाहिए और उन्हें गांधी के संदेश विचारधारा से आमजन को जागरूक करने के एव्ज में अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाना चाहिए। मनकोटिया ने इस बात की जानकारी एक पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने पत्र में लिखा कि दलाई लामा को सारा संसार वर्तमान युग का शांति दूत कहता है, इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है, इसलिए आप भी उन्हें स्वयं सम्मानित करें। मनकोटिया ने पत्र की प्रति गृह मंत्री अमित शाह व सीएम जयराम ठाकुर को भी भेजी है। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार द्वारा पिछले कल धर्मशाला को दूसरी राजधानी की क्या जरूरत के बारे में दिए गए बयान पर भी मनकोटिया ने पलटवार करते हुए कहा कि ऐसा बयान शांता कुमार को नहीं देना चाहिए था, वह उनसे ऐसी उम्मीद नहीं करते हैं। मनकोटिया ने कहा कि धर्मशाला में राजधानी हमारा हक बनता है। उन्होंने कहा कि शिमला क्यों जाएं, वह हमें बहुत दूर पड़ता है और वहां पर हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। पूर्व मंत्री ने मांग की कि धर्मशाला को दूसरी राजधानी का दर्जा दिया जाए और कम से कम 4 महीनों तक धर्मशाला से राजधानी चलाई जाए ताकि निचले हिमाचल के लोगों को उनका हक मिल सके। जो शीतकालीन का समय है वहाँ ठंड और बर्फ की वजह से शिमला में कोई काम नहीं होता है। लोग अंगीठियां सेकते हैं, चाय पीते हैं और कई लोग जो है अपने बाग बगीचे के रख रखाव के लिए चले जाते हैं। वहाँ होता क्या है, काम जो है इनपुट जो है आपके काम की जीरो है वहाँ उस वक्त, और सारे अफसर छुट्टियां लेके चले जाते हैं बाहर। उस दौरान आप कम से कम जो राजधानी है वहाँ इसको शिफ्ट करके धर्मशाला में जाइएगा, काम लीजिएगा। पब्लिक जो है पब्लिक काम ले इन अफसरों से, इतनी इतनी तनख्वाहें ले रहे हैं तो कौन सातवां वेतन आयोग बनता है, TA DA बढ़ रहे हैं सब कुछ, तो मैं समझता हूँ कि उनसे काम लेने का वक्त ये है। और निचले क्षेत्र के लोगों को मैंने कहा हमने सामने बात करने की बात मौका मिलता है, जो मंत्री लोग हैं उनके साथ मौका मिलता है बात करने का, जितने दुख तकलीफ जो हमारी कठिनाई है उनको हम समक्ष रख सकते हैं, उनका समाधान मौके पे हो सकता है। समुदाय से जुड़े बेसहारा लोगों को एक प्रतिनिधि मंडल दलित पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक संयोजक चमन रही ने प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। इस प्रतिनिधि मंडल ने शहर के पंच मंदिर के समीप पिछले 5 वर्षों से रह रहे बेसहारा लोगों को केंद्र सरकार की योजना के तहत रिहायशी मकान बनाने के लिए भूमि मुहैया करवाने की मांग की। दलित नेता चमन रही ने भी वीडियो मंडी श्रवण मांटे से 3 बेसहारा लोगों को शहर में रास्ती मकान बनाने के लिए भूमि मुहैया करवाने की मांग की। वही मकान बनाने के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर विवश रविदास समुदाय के लोगों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर शहर में भूमि मुहैया करवाने की मांग की थी, जिसके आधार पर प्रधानमंत्री कार्यालय से जिला प्रशासन को इनकी मांग की सुनवाई करने के लिए पत्र आया है। ADM मंडी से मिले इस प्रतिनिधि मंडल में रविदास नगर के कई लोग मौजूद रहे। मैं लालचंद, मेरा नाम है, और मैं पंचवतरा मंदिर के पास रहा करता था 40-45 सालों से। तो जो छोटे छोटे थे तो हमारा दरगुजार बहुत अच्छा होता था, अब प्रशासन ने हमको यहाँ से उजाड़ दिए गए हमारे, और हम अब मारे मारे घूमते हैं। और अब मोदी सरकार को हमने थककर चिट्ठी लिखी थी तो उसका हमको आस बंद गई है, थोड़ा सा हमको चिट्ठी मिली उनकी आई है वापस,
तो इस कर हम ऋषि साहब के पास गए थे और उनसे प्रार्थना भी की है कि हमारे को कहीं भी बसाने के लिए व्यवस्था की जाए। तो मैं प्रशासन का और मोदी सरकार का और हमारे राजा साहब का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और मेरा पूरा विश्वास है कि हमारे साथ इंसाफ होगा। वल्लभ महाविद्यालय में परीक्षा देने आए सैकड़ों अभ्यर्थियों ने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। युवाओं ने प्रशिक्षण केंद्र में तैनात स्टाफ को खाली उत्तर पुस्तिका थमाकर परीक्षा भवन से पलायन कर दिया। परीक्षा का बहिष्कार करने वाले अभ्यर्थी वो युवा थे जो विश्वविद्यालय द्वारा 5,000 रूपए इस अदा कर रहे परसेंटेज बढ़ाने के लिए दिए गए मौके के तहत परीक्षा देने वल्लभ महाविद्यालय मंडी में पहुँचे थे। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक सन 1990 से लेकर 2012 के बीच में स्नातक करने वाले युवाओं को परसेंटेज में इजाफा करने के लिए छूट दी गई है। साथ ही उसमें ओल्ड व न्यू सिलेबस के हिसाब से परीक्षा में पेपर आने की शर्त भी निर्धारित की गई है। बावजूद इसके जैसे ही इस मौके के तहत परीक्षा देने परीक्षा केंद्र में पहुंचे युवाओं ने प्रश्न पत्र देखा तो वह निर्धारित मापदंडों के विपरीत नए सिलेबस से सेट किया गया था। इसे देखकर परीक्षा केंद्र में बैठे युवा हताश हो गए और युवाओं ने आक्रोश में आकर आंसर शीट परीक्षा केंद्र में मौजूद स्टाफ को थमा दी और सभी अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र छोड़कर बाहर निकल गए। इन अभ्यर्थियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर इनके साथ पक्षपात करने का आरोप जड़ा है और सरकार से निर्धारित मापदंडों के मुताबिक दोबारा से पेपर सेट करने की मांग की है। जो स्पेशल ये कि इंप्रूवमेंट चांस का है तो उसमें जो हमने सिलेबस पढ़ा हुआ है वो मतलब सिलेबस से बाहर है। जो हमने 2003-04 के बीच में पढ़ा था उसमें से कुछ भी नहीं आया हुआ था तो हमारा एग्जाम जो है वो बिल्कुल ही नील हुआ है। मतलब उसमें हम कोई उम्मीद नहीं जता सकते कि हमें अच्छे मार्क्स आ जाएंगे।